दोस्तों ये ही YouTube क्रिएटर स्टूडियो सीरीज का वीडियो नंबर 6। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप कैसे मोनेटाइजेशन को इनेबल कर सकते हैं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों मोनेटाइजेशन को इनेबल करने के लिए आप अपील कर सकते हैं, एडसेन में अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों फाइनली जो आपका मोनेटाइजेशन है वो इनेबल होगा जब आपके चैनल में 4000 घंटे का वॉच आवर कंप्लीट हो जाएगा, साथ में आपके चैनल के 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। लेकिन वो बात अलग है, उसको मैं अभी बाद में बताऊंगा आपको उसको क्लियरली कि इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, इसको क्या रिक्वायरमेंट कंडीशन है। लेकिन दोस्तों उसके पहले मैं आपको अपील करना बताऊंगा कि आप कैसे मोनेटाइजेशन के लिए अपील कर सकते हैं यूट्यूब चैनल के लिए और एडसेन अकाउंट को कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों मेरा नाम है अरुण गुप्ता, आप देख रहे हैं टेक्निकल ज्ञान। चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपने YouTube चैनल के लिए एडसेन अकाउंट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको चले जाना है गूगल क्रोम में, जिससे अपन ने अपने YouTube चैनल को क्रिएट किया है। और दोस्तों यहाँ पे आप इसको ओपन कर लीजिए इस एप्लीकेशन को। दोस्तों सब कुछ मैं आपको इस पर क्लियरली अच्छे से बताने वाला हूँ। और दोस्तों इसके बाद आप अपने चैनल को ओपन कर लीजिए। जिस तरह का तरह से मैं अभी अपने चैनल में लॉग इन हूँ, वैसे आप भी चैनल में लॉग इन हो जाइए अपने जिस भी चैनल से आपने अपने यूट्यूब चैनल को बनाया है। अब दोस्तों इसके बाद आपको कहाँ जाना है वो मैं बताता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको जाना है चैनल के ऑप्शन में। तो दोस्तों ये हम चैनल के ऑप्शन में आ गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मोनेटाइजेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको। तो ये जो मोनेटाइजेशन का ऑप्शन है, इसी के थ्रू हम अपने चैनल के लिए एडसेन का अकाउंट बना सकते हैं। और दोस्तों एडसेन के अकाउंट को आप यूट्यूब चैनल में के लिए भी यूज़ में ले सकते हैं, साथ में अगर आपकी कोई वेबसाइट है या ब्लॉगिंग वगैरह आप कुछ करते हैं तो उसके लिए भी यूज़ में ले सकते हैं। तो फिलहाल तो हमें YouTube चैनल के लिए इसको यूज़ में लेना है। तो आप यहाँ पे लिखा आ रहा है एलिजिबल, तो दोस्तों मैं यहाँ पे इसे इनेबल कर लेता हूँ। दोस्तों की तीन चार स्टेप्स हैं टोटल, तो अपन को चारों स्टेप्स पहले फॉलो करने पड़ेंगे, इसके बाद ही हम मोनेटाइजेशन ऑन कर पाएंगे। दोस्तों मोनेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि मुद्रीकरण अपन कर पाएंगे अपने वीडियोस को, मतलब उस वीडियो के थ्रू जब एड्स रन होंगे अपने चैनल में वीडियोस में, तो उस एड्स के आपको पैसे मिलेंगे, ना तो कि लाइक के, शेयर के, कमेंट के और सब्सक्राइबर के कोई भी पैसे आपको नहीं मिलते हैं। इसके लिए मैं स्पेशली आपको अलग से एक वीडियो दूंगा सब कुछ। दोस्तों आपको इस चैनल में सब कुछ पूरा यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो में सब कुछ मैं आपको बताऊंगा A to Z। तो ये सब कुछ आपको सीरीज आपको देते जा रहा हूं मैं, और फिर इसका अलग से वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि कैसा क्या है इस पे एडसेन की पॉलिसी वगैरह यूट्यूब के लिए। दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको देखना है फर्स्ट जो इनका मतलब टर्म कंडीशन है, तो ये लिखा है अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन, तो रीड एंड एग्री द टू द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम टीम टर्म्स। तो दोस्तों मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। पूछ रहा है कि आप एग्री हैं हमारी टर्म एंड कंडीशन पे। तो दोस्तों यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं इनको आप केयरफुली पढ़ भी सकते हैं, और यहाँ पे क्लिक राइट क्लिक कर दीजिए सब में, और दोस्तों यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट कर दीजिए। तो आई एक्सेप्ट में क्लिक कर दिया दोस्तों मैंने, तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो वेरीफाई हो गया है। दोस्तों सेकंड स्टेप जो है वो है साइन अप फॉर एडसेन, तो अभी अपन साइन अप करते हैं अब एडसेन अकाउंट के लिए। तो दोस्तों इसको मैंने स्टार्ट किया, स्टार्ट पे क्लिक किया, तो इस पे लिखा आ रहा है यू विल बी रिसीव्ड टू एडसेन टू लिंक योर एग्जिस्टिंग एडसेन अकाउंट टू क्रिएट अ न्यू वन इफ यू। तो दोस्तों ये कह रहा है कि तो इसके नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, तो इस नेक्स्ट के ऑप्शन में आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे एडसेन के बारे में कुछ बताया है कि एडसेन क्या है, उसके बारे में बहुत सी चीज़ें बताई हुई हैं, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं अगर आपका पढ़ने का मन हो तो, नहीं तो आप नेक्स्ट कर दीजिए। दोस्तों जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कौन सी जीमेल आईडी से आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो जिस भी जीमेल आईडी से आप क्रिएट करना चाहते कर सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से तो यूट्यूब के जिस आईडी से बनाया है आपने, जिस जीमेल आईडी से, उसी से आप एडसेन का अकाउंट भी बनाइए। तो दोस्तों यहाँ पे हम साइन अप हो रहे हैं,
तो दोस्तों ये यहाँ पे लिखा आ रहा है गूगल एडसेंस साइन अप, तो यहाँ पे हम साइन अप का फॉर्म जो है इसको फिल कर रहे हैं। तो ये जो वेबसाइट है हमारी, तो वो उसका URL पहले ही आ गया है यूट्यूब का, बाय डिफ़ॉल्ट इसने कैप्चर कर लिया है। और गेट मोर आउट द एड्स ऑफ आउट ऑफ एडसिंग, तो ये सेंड टू कस्टमाइज हेल्प एंड प्रोफेशनल सजेशन, हाँ तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद सिलेक्ट योर कंट्री, तो यहाँ पे हमें कंट्री सिलेक्ट करनी है दोस्तों, हमारी कंट्री इंडिया है, तो ये मैंने इंडिया में क्लिक कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे प्लीज़ रिव्यू एंड एक्सेप्ट अवर टर्म्स एंड कंडीशन, तो यहाँ पे दोस्तों आप इसको केयरफुली पढ़ लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों ये थोड़ा लोड हो रहा है, मेरे इधर थोड़ा नेट की प्रॉब्लम है दोस्तों, नेटवर्क कम मिल रहा है। तो दोस्तों ये जो है एड्स मेड इजली, तो गेट स्टार्ट में हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, गेट स्टार्ट में हम क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पेमेंट एंड एड्रेस डिटेल, तो दोस्तों यहाँ पे आपको सब कुछ सीरियसली और करेक्टली और सही सही भरना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप एड्रेस भी गलत डालते हैं या कुछ भी गलत डालते हैं तो जब एडसिन के अकाउंट में आपके $10 हो जाते हैं तो वो एक वेरिफिकेशन कोड आपको मैनुअली भेजता है, कोई वेरिफिकेशन ऑनलाइन नहीं होता, मैनुअली भेजता है। इसके बाद उस वेरिफिकेशन कोड को आपको डालना पड़ता है, इसके बाद ही आपका जो यूट्यूब चैनल है या तो एडसिन अकाउंट है पूरी तरीके से वेरीफाई हो पाता है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ क्लियरली और सही सही डालना है, किसी के भी घर का पता नहीं डालिएगा, गलत मत डालिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले है अकाउंट टाइप, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम इंडिविजुअल कर लेते हैं, इंडिविजुअली ज़्यादातर लोग रखते हैं, और इंडिविजुअल का मतलब यह है कि आप खुद अकेले इसको चलाते हो या तो बिजनेस का रखना चाहते हो, तो मैं इंडिविजुअली कर देता हूँ क्योंकि मैं अकेले ही चला रहा हूँ, है ना। आप भी इसको इंडिविजुअल कर सकते हैं या तो आप अगर बिजनेस पर्पज़ से कर रहे हैं तो इसको बिजनेस पर्पज़ से कर सकते हैं। नेम एंड एड्रेस, तो दोस्तों यहाँ पे नाम अरुण गुप्ता है, और एड्रेस लिंक, तो दोस्तों यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, तो यहाँ पे आपको एकदम सही करेक्ट एड्रेस डालना है दोस्तों, गलत कुछ भी फर्जी काम नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं एड्रेस डाल देता हूँ, अब दोस्तों यहाँ पे सिटी पूछ रहा है, तो सिटी है भोपाल, पोस्टल कोड है, दोस्तों पोस्टल कोड अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं अपने एरिया का। स्टेट है मध्य प्रदेश, आप जिस भी स्टेट हूँ वो डालिएगा। फोन नंबर डालना है दोस्तों, और यहाँ पे सबमिट में मैं क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो मोनेटाइजेशन का ऑप्शन है, दोस्तों यहाँ पे हमारा जो मोनेटाइजेशन का दूसरी स्टेप है वो भी क्लियर हो चुकी है, सब कुछ सही से ही हमने डाल दिया है। अब सेट मोनेटाइजेशन प्रेफरेंस, तो दोस्तों यहाँ पे हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। अब दोस्तों ये पूछ रहा है
कि आप कौन कौन से टाइप के एड्स रन करना चाहते हैं अपने यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप सारी वीडियो पे, सारे टाइप की वीडियो पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जितने भी टाइप के एड आते हैं सब आपकी चैनल में आए, तो जिससे आपकी ज़्यादा रेवेन्यू हो सके। वैसे भी इस समय यूट्यूब अपन को ज़्यादा एड्स नहीं दिखा रहा है। और दोस्तों यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का आइकन है, इस पे आप क्लिक करके ये कर सकते हैं कि इसको ऑन रखिए, ताकि जितने भी आपने पहले वीडियो बनाए हैं सब में भी ये जो मोनेटाइजेशन है वो ऑन हो जाए पहले, जब भी आपका ये ऑन हो। तो इसको भी यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों, सेव कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे तीन स्टेप जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों फोर्थ जो स्टेप है वो है बहुत मतलब पावरफुल और सबसे मेन। तो दोस्तों न्यू पॉलिसी के अनुसार 12 महीने के अंदर हमारे चैनल में 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, जो कि अभी जीरो है, और 4000 घंटे वॉच टाइम की ज़रूरत है, जो कि अभी जीरो है। तो दोस्तों ये जो है इसको कंप्लीट करना है, इसके बाद ये फोर्थ स्टेप अपनी कंप्लीट होगी, और इसके बाद ऑटोमेटिकली आपका जो यूट्यूब एडसन का अकाउंट है वो इनेबल हो जाएगा, और आपके चैनल में वीडियोज़ में एड रन होने लगेंगे, और आपके रेवेन्यू आपके एडसन के अकाउंट में जनरेट होने लग जाएगा। तो दोस्तों इस स्टेप को और कंप्लीट करना है, इसके बारे में डिटेल से वीडियो आपको बना के जल्दी देने वाला हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने चैनल यूट्यूब चैनल के लिए एडसन अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो दोस्तों देखा आपने हम कितनी आसानी से अपने YouTube चैनल के लिए मोनेटाइजेशन के लिए अपील कर सकते हैं, और अपने YouTube चैनल के लिए एडसन अकाउंट को बड़ी आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं, आप मोनेटाइजेशन के लिए अपील कर सकते हैं, लेकिन आपको अभी मोनेटाइजेशन आपके चैनल में इनेबल नहीं होगा जब तक आपके चैनल के 4000 घंटे वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं होगा। सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं कि क्या टर्म एंड कंडीशन है दोस्तों, लेकिन दोस्तों बस इतना मेरे को बताना आपको जरूरी था, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि अगर हमने ये तीन स्टेप कंप्लीट कर दिए हैं इसके बाद हमारे चैनल में ऐड आने लगेगा, हमारे वीडियो में, और हमारे पास रेवेन्यू आने लगेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूट्यूब ने अपने पूरी टीम को, पूरे मतलब टर्म एंड कंडीशन को टाइट कर दिया है, क्योंकि बहुत गलत गलत कंटेंट यूट्यूब में डाले जा रहे थे, तो मतलब उसने अपने आप को इम्प्रूव किया है। सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, मैं आपको ये लिए सारी वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, और आपका कोई भी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली सर्कल में। दोस्तों फैमिली सर्कल में भले मत करिए, क्योंकि उनको तो इसका काम शायद ही हो, लेकिन फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए आप टेक्निकल ज्ञान के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।